योजना बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अंतर्गत बालिका महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें विधायक रामलाल मालवीय शामिल हुए। उज्जैन जिले की घट्टिया तहसील के अंतर्गत आने वाला गांव इशाकपुर की आंगनवाड़ी में मध्य प्रदेश सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना को लेकर बालिक महोत्सव मनाया गया जिसमें क्षेत्रीय विधायक रामलाल मालवीय ने शिरकत की। इस बालिक महोत्सव योजना में जो भी प्रथम बार महिलाओं को माँ का दर्जा प्राप्त होता है उसे प्रदेश सरकार की ओर से बच्ची व माँ का सम्मान किया जाता है और उपहार स्वरूप खिलौने व आहार दिया जाता है। इस मौके पर सरपंच संघ अध्यक्ष विजय सिंह गौतम, वीर सिंह राणा, परियोजना अधिकारी अनुपमा मांडवी, सरपंच भंवर सिंह सोलंकी, सुपरवाइजर अर्चना अखंड और आंगनवाड़ी व आशा कार्यकर्ता व ग्रामीण जन मौजूद रहे। मध्य प्रदेश शासन की एक अभिन्न योजना अभिन्न बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए बालिका बचाओ बालिका पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा मध्य प्रदेश सरकार ने दिया है उसी के अनुसार आज पहली बालिका जिस भी घर में जिस बहन के या बालिका का जन्म होता है उस बालिका को एक प्रोत्साहन स्वरूप उसको खिलौने या उसको आहार देने का जो काम मध्य प्रदेश शासन और महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित किया जा रहा है आज इस प्रकार का आयोजन ग्राम इशाकपुर में भी किया। हम लोग बहुत ही बधाई और शुभकामना देता हूँ कि इन बालिकाओं का जो जिस प्रकार सरकार की सोच है माननीय मुख्यमंत्री जी कमलनाथ जी की सोच है महिला बाल विकास मंत्री हमारी श्रीमती इमरती देवी जी की सोच है उनके अनुसार पूरा मध्य प्रदेश शासन मध्य प्रदेश महिला बाल विकास विभाग इन बच्चों को बालिकाओं को प्रोत्साहन देने के लिए इस प्रकार के आयोजन करें ताकि बच्चे बालक और बालिकाओं में भेद ना हो बालिकाओं को इतना अधिकार मिले जितना बालक को मिलता है। उज्जैन से राजेंद्र परिहार की रिपोर्ट।